गाइस अब मैं आ गया हूँ होटल के एक छत पे, और छत पे है यहाँ पर गर्मी, बट हाँ यहाँ का जो स्मेल है वो मेरे को पता है फिश की लग रही है, मतलब बहुत अच्छी स्मेल है। और मेरे को पुराने दिन याद आ रहे जब मैं यहाँ पर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यह हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम बबल बेड्स है, ऑलमोस्ट होम टाइप का है और अच्छा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया हमें क्योंकि बिकॉज हम रात को आ गए थे अचानक, तो booking.com से अराउंड पे किया, अराउंड बुक किया है हमने, और 21 से लेके 22 तक का, यानी क्योंकि हम तो रात को आ गए थे तो हमने 21 से 22 तक करना पड़ा, तो हमें पड़ा 930 रुपये। और उसके बाद हमने 22 से 23, 23 से 24 के, तो ऑलमोस्ट हॉस्टल वर्ल्ड से किया, तो ऑलमोस्ट अराउंड पड़ गया हमें, अगर डिपॉजिट हटा दिया जाए तो 1474 कुछ रुपीज़ बन चुका है हमारा। तो लेकिन कोई बात नहीं, इससे क्योंकि पैसा अभी तो मेरे को इतना वो नहीं लगता इम्पोर्टेंट, खर्च करना है तो करो कोई बात नहीं, क्योंकि प्लान चेंज हो गया। एक्चुअली दार्जिलिंग का प्लान था हमारा, बट प्लान एक्चुअली चेंज हो गया, तो उसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि कोलकाता में रहे और कोलकाता में घूमें। और हमारा एक दोस्त है, मैं उसने बोला यार कि कोलकाता रुको मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं क्या है, तो कुछ काम है, तो हमने बोला चलो ठीक है यार कोलकाता रुक लेते हैं, अब दार्जिलिंग का शायद अगली बार प्लान बनाएंगे। ये देखो पुराने टाइम का घर, पुराने घर और आकाश गंगा ये है भाई। देखो भाईजान लोगों कैसा है, ये बोलते हैं इंडिया ब्यूटीफुल नहीं है, जो आके देखो ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल है, इंडिया इज ब्यूटीफुल, इंडिया इज ब्यूटीफुल। देखो भाई क्या सूरज है, क्या वो है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के पत्थर देखो कितने तगड़े, चलने में जो चल, मजा आ रहा है ना, एकदम मसाज की तरह फीलिंग हो रही है, मसाज पत्थरों को मसाज दे रही है ना। देखो हम लोग ये है सबसे ज्यादा नजदीकी स्नोमोबाइल के आगे, हम अब इधर इससे ज्यादा कोई नजदीक जा भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों क्या है, यहाँ से एंट्री तो मिली है, बबलू बबलू हूँ, बबली है, सब कुछ है, क्या करें इसकी भाई, धूप बहुत है, एंट्री कहाँ से पता नहीं, पूछना पड़ेगा। सुनो भाई इसकी जिंदगी में एक बबला आ गया जो इसकी जान में बबलू खिला के जाता था, और इसने उस बबलू को खा भी लिया, अरे पता नहीं कौन सा जानवर है, इतना अपने को ज्ञान नहीं रखते हम लोग। तो भाई लोगों ये जो बैक साइड है यहाँ से एंट्री होती है, सामने से नहीं होता, हम तो इतनी देर से ढूंढ ही रहे थे, इन लोगों ने हेल्प कर दी तो बढ़िया है, गर्मी भी बहुत है, ये सारे हम जैसे ही लोग हैं जो परेशान है इतनी गर्मी में। हाँ हाँ भाई लोग, हाँ भाई कहाँ से हो आप? उड़ीसा भुवनेश्वर से। उड़ीसा भुवनेश्वर से, अच्छा बढ़िया है ये लोग, यार हम भी है हैदराबाद के, ये उड़ीसा से, सब मतलब हमारे आस पास के ही है। बिल्कुल, तो अभी जाते हैं और फिर बताएंगे जो भी अंदर होगा, आता जाता कुछ है नहीं हम लोग को, जो भी है उसको दिखा के आपको खुश करने की कोशिश करेंगे बस।
देखो भाई लोगों, मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। मैंने कहा था ना बदल यही नहीं दिख रहे थे, अब पता चला बदल क्यों दिख रहे थे। क्यों भागीरथ, इनको बता तो दे। हाँ भाई, मौसम एकदम बढ़िया है, एकदम तगड़ा है, एकदम मजे में है। लेकिन इस तरफ तो कर मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही इधर। मौसम एकदम बढ़िया है भाई लोगों, और हम है कोलकाता के एकदम रोमांटिक प्लेस में। जो यार काश काश मेरे साथ कोई होता, अगर आप में से कोई हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़की हो लड़का भी हो, तो मैं दिखा देता ये एरिया, बता देता और क्या करता, पता नहीं। अगर कहना ये चाह रहा है कि देखो लड़की होती मेरे बगल की, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, तो लड़की होती तो मैं बिठा देता, उनको फ्लावर देता और प्रपोज मारता। नहीं, कहना ये चाहता है ये बंदा, मेरे बगल की सीट भी खाली, इसके बगल की सीट भी खाली, मतलब समझ गया ना। कुवारा हूँ मैं भी, ये भी कुवारा है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। वो देखो सामने, उधर भी देख लो, हर जगह देख लो, सबकी सीट भरी हुई है, हम दोनों ये खाली है। क्या है? बारिश ज्यादा हो गया तो हमारा प्लान है वापिस कहीं और जाने का। आगे चलो 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 टाइम का, ब्रिटिश टाइम का रेलवे स्टेशन है ये। अभी तक वही चल रहा है देखो। क्या किया, दिख नहीं रहा क्या? वही है बस, कहाँ कलर ही चेंज करते हैं और क्या करते हैं। अभी ये ब्रिज तो बंद कर दिए, ठीक है। और चार साल पहले जो कलकत्ता था ना, अच्छा रोहित भाई, हाँ ये ब्रिज देख रहे हो, हाँ ये ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है, ये सिर्फ रिपीट है, रिपीट। इसके टेक्नीशियन देखो क्या हिसाब से किया है, सिर्फ रिपीट है। बाप रे बाप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हाँ लगाओ क्या हिसाब से बनाया है इसने, बिल्कुल क्या हिसाब से बनाया, देखो दिमाग देखो उनपे, हाँ देख रहे हो, खाली रिपीट है, एक भी नट बोल्ट नहीं है, तुम देख सकते हो। सही बोल रहे यार, दिसंबर में बड़ा दिन में। अच्छा ये ग्राउंड, ये पाक स्ट्रीट है, पाक स्ट्रीट है, ये पाक स्ट्रीट है, बिल्कुल। अरे बाबा क्या तगड़ा लग रहा है। तो मैं आ चुका हूँ अरसलान रेस्टोरेंट, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है सेवन पॉइंट अपना, ये क्या बोलते हैं कोलकाता में, जो कि आप देख सकते हो नीचे की तरफ अरसलान, और बहुत पॉपुलर है बोला इन्होंने। तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए वहीं पर। हाँ ये इस बंदे को भी देखो, ये भी खाना चाहता है, ये भी खाना चाहता है। हाँ बात क्या है, नहीं, ये देखो इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो अभी खाना देख के बताएंगे। बिरयानी मिलती है, चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, मतलब बहुत ऐसे कह रहे हैं ड्राइवर साहब, तो हमने बोला ठीक है भाई आपकी बात मानते हैं और चलते हैं। तो हम जा रहे हैं और खाएंगे और बताएंगे। और ये शेर का देखो अंगूठी, शेर ही होता है,
भाई जान अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और ऑर्डर क्या किया सर आपने, क्या किया बताओ? चिकन बिरयानी। इन्होंने चिकन बिरयानी किया, हमने भी चिकन बिरयानी किया और एक शायद मटन का कुछ किया हमने। तो जब आएगा तो बताइए ना, एक्चुअली यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, जब आएगा तो आपको टेस्ट बताएंगे कैसा है और रिकमेंड करेंगे अगर पसंद आया तो। और रेट्स भी सही है क्योंकि जो हम लोग जयपुर में खाते हैं उससे तो सस्ता है, वहाँ ज़्यादा महंगा है। हाँ वहाँ ज़्यादा महंगा है, यहाँ सस्ता है। तो पहले खाता हूँ उसके बाद रेट्स बताऊँगा आपको। सो वी गॉट आवर बिरयानी है, पेप्सी, थम्स अप। ओके थम्स अप, नो इशू, थम्स अप, थम्स अप, नो इशू। तो ये देखो भाई कैसा लग रहा है, अभी सब स्टार्ट करने वाले हैं बिरयानी, सर जी भी करेंगे और हम भी करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, देखते हैं क्या है इसका टेस्ट। बहुत शानदार है भाई, तो भाई लोगों ये डेजर्ट है, टाइप ऑफ स्वीट आफ्टर फूड, और इसको फिरनी बोलते हैं, फिरनी। ये कोलकाता का फेमस स्वीट, मतलब डेजर्ट बोल सकते हैं। तो हाँ, तो अभी मैं इसका टेस्ट बता देता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी टेस्ट करता हूँ ये। बहुत सही है, किस चीज़ का बनाया है? दूध, मिल्क, मिल्क राइस और मावा, मिल्क राइस और मावा से बनाया है, बहुत अच्छा है। ज़्यादा भी मीठा नहीं है और कम भी मीठा नहीं है, मतलब इतना है कि अच्छा लग रहा है खाने में। ये देखो कैसा लगा, इसको पता नहीं है यार, ये एक्चुअली दूर भी नहीं पीता, इसलिए ये दूर नहीं पता, इसलिए सही नहीं लगा मेरे को। तो बहुत बढ़िया लगा, मैं तो खा रहा हूँ। ओवरऑल भाई कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया सर, आपका? ये हमारे आज तो बहुत अच्छा, मतलब ड्राइविंग की इन्होंने हमारे को काफ़ी चीज़ें बताया कोलकाता के बारे में, और इनका ही रिकमेंडेशन था यहाँ पर आने का, तो हमने यहाँ पर आके अभी खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो इन्हीं ड्राइवर को लेंगे और क्या। तो आ जाना अरसलान, 7 पॉइंट है ना, फिरकुल स्ट्रीट। हाँ फिरकुल स्ट्रीट, आप ही बताओ। फिरकुल स्ट्रीट, फिरकुल स्ट्रीट में अरसलान जो है रेस्टोरेंट है, 7 पॉइंट। तो वहाँ आ जाना, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा मिर्च भी नहीं है और कम मिर्च भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और जो मैंने अभी खाया था ये क्या था, फिरनी जो भी हो, डेजर्ट जो भी बोलते हैं इसको, तो वो भी बहुत बढ़िया है कोलकाता का। वहाँ पे यहाँ भी आके आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं जाता हूँ हॉस्टल और सीधा रेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल बनाया 1,170 रुपये।